पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। पिछले दिनों उन्होंने बाबाओं पर बयान दिया था, इसके बाद माफी भी मांगी, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और पंडित प्रदीप मिश्रा पर ऐसा ही एक और बयान दे दिया। वैसे तो पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इन दिनों उनके टारगेट पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने बाबा पर बयान दिया था और बाद में खेद भी प्रकट किया था और लगा था कि अब वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर बयानबाजी नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सज्जन सिंह वर्मा ने फिर से एक बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि पन्ना की एक बड़ी सभा से लौटते वक्त कमलनाथ ने उनसे कहा कि चलो बागेश्वर धाम ने बुलाया है, तो मैंने कहा चलो तमाशा देखने, वहां महाराज के दर्शन हो जाएंगे। बागेश्वर धाम में तमाशा वाले अपने ताजा बयान से पहले उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और पंडित प्रदीप मिश्रा जैसे कथावाचकों पर विवादित बयान दिया था और कहा था कथावाचक धर्म की दुकान चला रहे हैं। हालांकि बाद में विवाद बढ़ा तो उन्होंने बयान पर खेद जताया। आप भी सुनिए उनके ये तीनों बयान। अब हम गुरु जी की बात करें, धर्म की भी दुकानें खुल गई है, ये भी सुनने लायक बात है। धर्म की भी दुकान खुल गई, पहले छोटी दुकान देती थी, अब बड़ा जनरल स्टोर खुली गया। वो धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम वाला, एक सीवर वाला प्रदीप मिश्रा बड़ी दुकान खोल ली। जिन शब्दों को मैं सही संयोजन नहीं कर पाया उनके प्रति खेद व्यक्त करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। आप यदि मेरा पूरा भाषण देखें, उसमें उद्बोधन, वो भी छोटा मोटा प्रवचन था, तो आपको समझ में आ जाएगा। धर्म की दुकान प्रवचन था, धर्म की, अरे जनरल स्टोर भी था उसमें। लेकिन जो गुरु कर रहे थे उनका मैंने कि ये संत जो अपने जीवन भर का ज्ञान अर्जित करते ही हम लोगों के बीच में बांट देता है, ये कोई उपचार नहीं कर रहा है, ये कोई नहीं। मैं गया था ना, मेरी पन्ना में बड़ी सभा थी उस दिन, कमलनाथ जी ने कहा बागेश्वर जी महाराज ने बुलाया है, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, सज्जन इधर से चले। मैंने बोलो साहब जरा अपन भी तो देखें, तमाशा घुस के देखें। 26 मई को पहला बयान, 29 मई को माफी और 30 मई को फिर से एक बयान। लोग कह रहे हैं कि सज्जन को साधु नहीं भा रहे। हालांकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर बयान देने से बचते हैं, लेकिन सज्जन सिंह वर्मा ऐसा कोई परहेज करते नजर नहीं आ रहे। उज्जैन से अजय कुमार पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।